पाकिस्तान में अगर आपको मैं बताऊं तो आठ नौ लाख परमिट पर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फूड कौन सी फूड अच्छी लगती है ऑनस्टली बताना हेलो दोस्तों दोस्तो, आज की इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है शहर और ये पाकिस्तानी है इनका जो कनाडा के हवाले से एक्सपीरियंस है ना जो इनकी लाइफ चलती है उसके हवाले से हम जानना चाहते हैं कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी कैनेडा के अंदर आज के दिनों में कैसी है क्या कुछ कमाई है काम कैसा है भाई का और लाइफ कैसे चल रही है तो बिला तमहीद हम वीडियो का आगाज़ करते हैं बढ़ते हैं शहर यार की तरफ थैंक यू सो मच शहर यार एज ए पाकिस्तानी कैनेडा के अंदर आपकी लाइफ कैसी चल रही है आप डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर हैं आप लाइफ के देखें जब आप स्टूडेंट आते हैं आपकी लाइफ डिफरेंट होती है फिर जब आप वर्क परमिट पर आते हैं आपकी कहाँ है, पर फर्म है एक फ्रेडमर्क इंडस्ट्रियल तो जब आप जब आप स्टडी परमिट पर होते हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं कभी चेंज हो जाते हैं कभी ट्वेंटी से बढ़ के ज्यादा हो जाते हैं और फिर आप वर्क परमिट पर आते हैं तो वर्क परमिट पर जो लिमिट होती है वो कोई भी नहीं होती है आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं तो अगर तो आप ऑफिस जॉब करते हैं तो ऑफिस जॉब में जो आपको यहाँ कनाडा में ना औरत से उम्र नहीं पूछते मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछते लेकिन हम पूछने वाले हम नहीं शर्म करेंगे देखिए मैं आपको एक देता हूँ देता हूँ की पाकिस्तान में अगर आपको मैं बताऊँ तो आठ नौ लाख पाकिस्तानी बन जाता है एक बंदे का वर्क परमिट पर Oh, nice. जो के देखने वालों को लोगेगा बहुत ज़्यादा है लेकिन इन लोगों को ये चीज भी माइंड में रखनी चाहिए कि जब एक बंदा यहाँ पर खर्चा करता है तो वो कैनेडियन डॉलर्स में निकलते हैं नॉट इन पी के आर लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट दे देते हैं क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं ओवर टाइम कर लेते फिर हैं फिर पर, दो फिर दो जॉब्स कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ना एक नॉर्मल जॉब करने वाला जो बंदा है ना वो कहीं एक मिडिल क्लास बंदा है और अकेला कैनेडा के अंदर रह रहा है तो वो हज़ार से लेकर ना पंद्रह सौ डॉलर्स अगर वो एक यहाँ पे अच्छी लाइफ गुजारता है बहुत अच्छी नहीं अच्छी तो वो इतने बचा लेता महीने अगर वो बहुत याश नहीं है लेकिन अगर कहीं आपके कुछ ऐसे खर्चे आ गए जैसे लगते एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना करे कुछ इस तरह की चीजें इमरजेंसी जिसे कहते हैं उसमें कुछ हो जाता है तो वो आपका खर्चा हो जाता है लेकिन फिर भी आप जो है ना कुछ ना कुछ बचा ही लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप, आप पे डिपेंड करता है आपके साथ एज एन इमिग्रेंट हमारा क्या होता है शेर यार के हमें पीछे भी जनरेशन का ख्याल करना होता है घर वालों का भी ख्याल करना होता है तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं खैर कनाडा के अंदर जो है ना बाकी ममालिक के मुकाबले में मेरी ऑब्जरवेशन है कि आपको ना आपके रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए मुकम्मल आज़ादी है आप क्या समझते हैं देखें आज़ादी आपको है अब ये आप पर भी डिपेंड करता है आप उसको मुसलत करें दूसरों पर या अपनी ज़ात पर कर रहे हैं देखें अब मैं अपनी वर्क प्लेस की अगर एक्जाम्पल दूँ तो फ्राइडे की नमाज मैंने पढ़नी होती है अब मैं क्या करता हूँ मैं उस दिन आधा घंटा सुबह जल्दी चला जाता हूँ ताकि इंस्टेड ऑफ गेटिंग हाफ अवर ब्रेक मुझे एक घंटे की ब्रेक मिल जाती है मैं उसे एक घंटे में पढ़ाता हूँ माशाल्लाह अब उन्होंने मुझे नहीं रोका हुआ उन्होंने क्या कहा कि मुझे हमें आठ घंटे की जॉब चाहिए आपकी आप पर डिपेंड करता है जैसे मर्जी करो जैसे मर्जी अब मैंने आधा घंटा ऊपर से बढ़ा लिया और ब्रेक एक घंटा निकाल के मैं जुमा पढ़ाया ये अच्छी बात है ना कि आपको अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए कोई रोक नहीं रहा। कोई रोकेगा कभी रोकेगा भी नहीं हाँ। मतलब एक कंट्री जो यहाँ पे कनाडा में तो कंट्री ऐसी है कि यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी अगर आप कुछ कह रहे हो कोई आपको कुछ नहीं कह रहा बिकॉज यहाँ पर आजादी है आजादी इजहार और हर तरह की आजादी ये एक अच्छी चीज है बिल्कुल और यहाँ पर अगर मैं अपने शहर की बात करूँ ना हमारे शहर की आबादी लगभग पांच लाख साढ़े लाख है लेकिन यहाँ पर अभी माशाल्लाह से मुसलमानों की तादाद भी काफ़ी हो गई है पाँच से छः मसाजद हैं और बड़ी बड़ी मसाजद हैं और अभी ईद की नमाज़ हुई है तो एक, एक मस्जिद में तीन से चार नमाजें हुई हैं इतने इतना रश है मुसलमानों का तो इसमें हमें आज़ादी और हमारी जो मसाजिद है ना माशाला से यहाँ पर वो तीन मसाजिपज बिल्ट है मीनस के उनकी बिल्डिंग आपको बाहर से देख के लगता है यार के ये मस्जिद बनी बिल्कुल तो ये कनाडा में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है गवर्नमेंट ने फंडिंग की है सपोर्ट हाँ। किया है वो इदारे बनाने में वो हाँ। मस्जिदें तो बनाने ये कहते हैं हमने ये बिलीव करते हैं डाइवर्सिटी इंक्लूजन पे तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है फिर क्या लगता है आपको कम्युनिटी अंगेजमेंट अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप गुलते मिलते हैं कैसा लगता है आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी कनेडा के अंदर कैसी है कम्युनिटी सही है लेकिन जहां पर सही चीजें होती है, वहां पर गलत भी होती है। बता रही। <laughs> सही है लेकिन देखिए कहना ले। नहीं चाहूंगा लेकिन स्टिल में आपकी बातें कहूंगा <laughs> एक इंडियन या एक दूसरा बंदे बींग मेरे पाकिस्तानी की मेरी ज्यादा हेल्प करते हैं रादर देन माई ऑन पाकिस्तानी ब्रदर्स मतलब यहाँ पर लैक पुलिंग भी है जिस तरह पाकिस्तान में होती है यहाँ पर मतलब एज लॉन्ग एज आप अगले बंदे के लेवल पर हैं या उससे नीचे हैं ही इज इज गोइंग गोइंग टू टू और शी हेल्प यू लेकिन द मोमेंट आप उससे ज्यादा अर्न करने लग जाएंगे या उससे ऊपर चले जाएंगे या आपके पास गाड़ी उससे अच्छी आ गई है या आपकी रेंट प्लेस उससे अच्छी है या आपकी शादी हो गई है कुछ भी आपको वो लोग इस नजर से देखेंगे कि यार मतलब मैं मैं भी भी इसके इसके हाँ, साथ साथ ही ही आया था आगे किस तरह निकल गया हालांकि उसको ये पता होना चाहिए कि रिस्क देने वाली जात अलग अलग और दूसरी चीज जो हम नेगेटिव करते हैं वो ये करते हैं कि हम देसी देसीयो में ही घुले मिले रहते हैं हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इन लोगों के व्हाइट वालों के इवेंट्स में भी क्योंकि ओनली देन वी विल रियलाइज के मतलब ये लोग किन चीज़ को अच्छा कहते हैं किसको बुरा कहते हैं कहाँ पे आ जाते हैं इनका रस्मो रिवाज क्या है सारा कुछ तो आप अब किसी कल्चर में आए हैं आप देखें पर्मांट रेजिडेंसी लेना हर एक का खाब है लेकिन कभी आपको पता है परमानेंट होने के बाद कौन से पर्ट्स आपको मिलेंगे और किन चीजों को आपने फॉलो yeah, करना है सिटीजन yeah, yeah. होने की आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीआर आर सिटीजन में होना किस तरह तो मतलब बेसिक नॉलेज आपको खुद भी होना चाहिए mm -hmm. और जब ये सारी चीजें आपके पास हो जाएंगे ओनली देन आप कह सकते हैं भाई आई एम परमानेंट रेजिडेंट और मुझे इन चीजों का नॉलेज है mm -hmm. और बहुत से जो गोरे हैं वो भी इन्हीं चीजों का आप एतराज करते हैं कि भाई मतलब ये लोग अपने काम से काम रखते हैं अब अगर दो गोरे आ रहे होंगे ना वो एक दूसरे को नहीं भी जानते दे आर गोइंग टू टू से हेलो इसे कहते हैं शॉर्ट टॉक ये लोग करते हैं पाकिस्तान में भी मैंने जॉब की हुई है कोई कोई का नहीं नहीं है कोई कुछ नहीं है कुछ एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं गया हम पाकिस्तानी ना सिर्फ हार्ट टॉक करते हैं बिल्कुल और वो हार्ट टॉक <laughs> जो है ना दिल तोड़ने वाली होती है वो फिजिकली भी हो जाते हैं कुट भी लगा देते हैं एक दूसरे की तो पाकिस्तानी कम्युनिटी कैनेडा के अंदर अभी ग्रो कर रही है लेकिन हमें यही चाहिए कि यार एक दूसरे की हेल्प करें बिल्कुल और एटलीस्ट जो लोग यहाँ पर हैं ना चले पीछे वालों को तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता हर बंदे की हेल्प पीछे लेकिन जो यहाँ पर है उनको गाइडेंस अच्छी दें हेल्प करें अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनका नुकसान करने की कोशिश मत करें यहाँ पर कनाडा के अंदर कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं देखें दो जो है मिसेस सागर और मिल्टन ये ऐसे हैं जो जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है आई डोंट टॉक अबाउट देयर स्टेटस एट द मोमेंट लेकिन अगर मैं बताऊँ एटी नाइनटी परसेंट लोग इन इलाकों में और इन एरियाज में जो है वो मुस्लिम है एंड खुश ने रखते हुए मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो प्रैक्टिस भी करते हैं माशा एंड वहाँ पर रहना इज समथिंग काइंड ऑफ अ लग्जरी बिकॉज आपको कल्चरल वाइब आती है ईद हाँ. है तो आपको फीलिंग आएगी कि ईद है अगर हम भी ईद सागर जाते हैं बिल्कुल मैं खुद भी अपने दोस्तों वगैरह के साथ खाने पीने वहीं पे जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे हलाल ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और फूड के हवाले से अगर हम बात करें कैनेडा के अंदर मैं ना जब मैं नया नया आया था ना तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे फूड नहीं मिलती वैसे कनाडा के अंदर टू बी ऑनस्ट लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाले मजे नहीं आते आप बाहर चले गए हैं तो फूड नहीं मिलती बहुत सारी कंट्रीज में अभी मेरा दोस्त एक फिनलैंड से आया हुआ था उससे मैं मिला तो उसको वहाँ पे नहीं मिलती फूड लेकिन कनाडा के अंदर आपको ये फर्क मिलता है वही कि हर किस्म की फूड आपको मिलती है पाकिस्तान ये तो अब आप डिपेंड करता है ना कितनी जगह आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं देखें यहाँ पर तो मैंने वो वो वजीस ट्राई कर ली है जो मैंने पाकिस्तान में इंडियन वर्सेज पाकिस्तानी फूड कौन सी फूड अच्छी लगती है ऑनस्टली बताना है बिंगा पाकिस्तानी नहीं ऑनेस्टली बताना देखिए मैं अगर आप मेरे से राय पूछ रहे हैं और ये वीडियो की हद तक नहीं मैं सोच रहा तो मुझे पाकिस्तानी ज्यादा अच्छा लगता है इंडियन मुझे इंडियन भी अच्छा है लेकिन द ओनली रीजन मुझे इंडियन अच्छा लगता है मुझे थोड़ा फीका लगता है वो ओके okay. बिकॉज उनका मसाला कम होता है हाँ. और मे बी उन्होंने इंटेंशनली ये रखा होता है क्योंकि कम में तो ऐड किया जा सकता है लेकिन अगर ज्यादा होगा तो यू कैन नॉट डू एनी थिंग एंड आई डू हैव सम कोलीग्स दे लाइक इंडियन फूड मोर वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों से ज्यादा उनको इंडियन फूड अच्छा लगता है वेल बिंग नहीं कहूंगा अगर मैं न्यूट्रल होकर कहूँ ना मैंने इंडियन फूड भी ट्राई कर लिया है हलाल जो है और पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानी फूड बहुत अच्छी लगी है लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इंडियन और पाकिस्तानी फूड सेम है मतलब तो उधर भी चिकन कढ़ाई है इधर भी चिकन कढ़ाई है पाकिस्तान में भी बिरयानी है उधर भी बिरयानी है मतलब हमारी डिशेस सेम है उस वजह से क्या होता है कि लोग पाकिस्तानी जो जिनको नहीं पता होता ना वो पाकिस्तानी फूड को भी इंडियन फूड ही कहते हैं सेम एज के अब यहाँ पर अगर हम खड़े हैं ना ये सामने पीछे हमारे गोरे हैं तो उनको लग रहा है वी आर इंडियन क्योंकि यहाँ पे इंडियन की इतनी हाँ। है ना पाकिस्तानियों को वो पाकिस्तानी लेते ही नहीं है इवन मेरा अपना मैनेजर मुझे तीन साल हो गए काम करते हुए उसके बाद अभी तक मुझे इंडियन समझता फिर मैं उसको समझाता कि मैं इंडियन पाकिस्तानी हूँ और अभी मैं उसको हिस्ट्री समझाता हूँ फिर उसको समझ आती है कि मैं क्यों कह रहा क्या तो थोड़ा सा इसी वजह से ना इंडियन क्वीन को कहा गया कि ये फिफ्थ बेस्ट क्वीन है ठीक है और पाकिस्तान का कहीं नाम भी नहीं था बहुत दूर था क्योंकि हमारी सारी डिशेस तो मिक्स हो जाती हैं उनके साथ बट स्टिल मैं कहूँगा मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई करवाया है वो कहते हैं यार पाकिस्तानी मैंने खुद अपने वाइट लोगों को अपने दोस्तों को ट्राई करवाया एंड दे रियली मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब बहुत जबरदस्त खाने हैं तो ओनली वो कहते हैं कि यार तुम लोग ऑयल बहुत डालते हो खाना हो में ऑयल <laughs> <laughs> तो डालना ना जनाब ये चीजें नहीं होंगी तो मोटापा कैसे आएगा अच्छा शेर यार मिडिल क्लास पाकिस्तानियों की आपके ख्याल में यहाँ पर कैसी लाइफ है क्योंकि देखें इस कंट्री का भी ऑलमोस्ट जो है ना नाइनटी लोग जो है मिडिल क्लास हैं तो पाकिस्तानियों का लेते हैं मिडिल क्लास पाकिस्तानियों की क्या लाइफ है क्या स्ट्रगल है क्या आप समझते हैं देखें जो चीजों की वजह से एक बंदा मिडिल क्लास रहता है अगर तो आप वही काम यहाँ पर आकर भी कर रहे हैं जैसे तो, तो जैसे की फर्स्ट लें आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं और कर आप सिर्फ फोर्टी आवर्स ही काम कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग भी जिनके पास इनकम ज्यादा है या जो एवरेज से ऊपर हैं वो फोर्टी आवर्स काम नहीं करते दे आर वर्किंग मोर देन दैट मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने आवर्स आवर्स काम भी किया हुआ है 70 70 तो मैंने में भी इतना, कोई इतना कोई नहीं करता इतना कोई नहीं करता तो मतलब लोगों को ये थोड़ा सा माइंड होता है कि बाहर चले गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी बाहर आके जिंदगी और मुश्किल हो जाती है और आपको करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप अभी मुश्किल करेंगे तो बाद में आसान होगी और अगर आप अभी चाह रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ ईजी रहे तो ये फिर स्टार्ट की यहाँ पे अभी तीन साल आप लोग ईजी कर लें उसके बाद फिर आप लोग वापस जाएंगे फिर में आपकी जिंदगी वापस और मुश्किल हो और मुश्किल होगी कैनेडा एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है यानी कि एक आम बंदे के पास भी ना वो सारी चीज़ें आ सकती हैं उसका रिहाइश खाना पीना ये सारा अच्छा हो सकता है जो कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं ना कि आप कनाडा में भी टॉप क्लास पर आएँ तो फिर आपको जो है ना वही बात है कि एक जो अप्रोच है ना वो पॉजिटिव बनाना पड़ती है अपनी जॉब को लेकर क्योंकि यहाँ पर लोगों का आते आतसाद क्या होता है हमने भी यही किया कि जॉब में लग गए हैं वो एक थोड़ा सा जो स्टार्ट का में खुद पर इन्वेस्ट करें कुछ कोर्सेज करें या कुछ ऐसा देखें जो आपको बेटर लगता है तो यकीन मान लें कैनेडा को कहा जाता है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल गेट वॉच यू वन चलें जी आज की यही टॉक थी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो मेरा और शहरियार का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा इनका चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मेरा आप काम सबका अल्लाह हाफिज